नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए वर्णमाला और संख्या ज्ञान शुरू कर दिया है। उस क्लास को अब आगे लेकर चलने की बारी है। एक प्रकार का प्रश्न मैंने आपको सिखा दिया, जिसमें मैंने आपको दो टर्म बताए थे, एक टर्म फर्स्ट एक टर्म सेकंड, दोनों के अलग अलग नियम थे। आज हम दूसरी तरह के प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास का हमारा प्रमुख अध्ययन है संभावित युग्म। संभावित युग्म ज्ञात करना। अच्छा बेटा, विषय यह है कि ये संभावित युग्म क्या होते हैं, एक एक करके आपके सामने सारी बात रखूंगा मैं। देखिए, इससे जुड़े हुए सात प्रश्न मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं संभावित युग्म के। तो दो प्रश्नों में तो आप आराम से सीखिए, फिर उसके आगे के जो पांच प्रश्न है उनमें आराम से वीडियो पॉज कीजिए, फिर खुद करने का प्रयास कीजिए, फिर अपने उत्तर की जांच कीजिए। ये संभावित युग्म क्या है, एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं और उससे हम लोग इससे जुड़ी हुई सारी बात करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न ये रहा आपका, एक वर्ड ले लेता हूं मैं, इंग्लिश। मेरा प्रश्न है, इंग्लिश शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जिनके बीच उतना ही अंतर है, जितना कि वर्णमाला में उनके बीच होता है, ठीक है। अब आराम से आप मेरी बात सुनिए। पहले मैं आपको इस प्रश्न का मतलब समझा देता हूं, ये क्या कहना चाह रहा है इस प्रश्न में। देखिए, इसने कहा, ये जो शब्द दे रखा है, इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बन रहे होंगे जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना कि वर्णमाला में उनके बीच होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से मेरी बात समझिए। जैसे मैंने वर्णमाला के लिए लिखा ए बी सी डी, अब मैं कोई एक स्पेलिंग लिख रहा हूं, कोई भी एक स्पेलिंग है मान लीजिए, और उसके बीच में कोई दो लेटर्स आ रहे हैं, एम एन आ रहे हैं। आराम से मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए ए और डी के बीच में अल्फाबेट में या वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, बताइए। तो आप बोलेंगे सर दो अक्षर है, बी तथा सी दो अक्षर है, और यहां भी ए और डी के बीच में कितने अक्षर है, दो अक्षर है। तो मैं वापस कहना चाह रहा हूं, ये दो अक्षर चाहे कुछ भी हो सकते हैं, ये एक्स और जेड भी हो सकते हैं, आप केवल ये ढूंढ रहे हैं कि ए और डी के बीच में एक्चुअली दो अक्षर हुआ करते हैं, और यहां ए और डी के बीच में भी दो अक्षर है, तो ये इस श्रेणी में आता है। ये क्या कहना चाह रहा है, अक्षरों का ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिनके बीच में उतना ही अंतर है, जितना कि वर्णमाला में उनके बीच होता है। तो इस तरीके का ये प्रश्न होता है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न को ही हल करना शुरू करेंगे, ध्यान से देखना। तो इसने हमें क्या वर्ड दिया है बताइए, इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच, ये हमारा वर्ड ब्रांड। अब इसके बारे में सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं, आराम से सुनिए, दो प्रश्न खूब ठीक से सीखिए, तब जाकर आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। इसने कहा इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का क्वेश्चन है कि इसके बीच में, इस स्पेलिंग में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना कि वर्णमाला में उनके बीच होता है। तो बेटा दो तरीके होते हैं, एक तो आप इनका क्रमांक डाल लीजिए, उससे कर लीजिए, मैं उसका समर्थक नहीं। तो दूसरा जो तरीका है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसके लिए आपको अल्फाबेट वर्णमाला आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहां क्या लिखा हुआ है, अभी ई लिखा हुआ है, तो इसे आप लोगों को वर्णमाला बोलना शुरू कर देना है। आपका बोलने का और बढ़ने का क्रम बराबर होना चाहिए, जब आप एक लेटर बोले तो एक ही लेटर आगे बढ़े। तो इसको कैसे हल करेंगे, आप यहां से बोलेंगे ई, अब ई के बाद जो आता है बस वो बोलना है, तो आप बोलेंगे ई एफ, इस तरीके से आप बोलेंगे, और जो आप बोल रहे हैं अगर वो आपको लिखा हुआ मिल गया तो एक जोड़ा बन गया। समझाता हूं मैंने क्या कहा, मैंने कहा ई एफ जी, आपने बोला भी जी और मिला भी जी, तो एक जोड़ा बन गया। देखो बेटा, ई और जी के बीच में यहां भी एक ही लेटर है और वर्णमाला में भी एक ही एफ लेटर होता है, तो ठीक है, एक जोड़ा बन गया ई जी, मैं यहां लिख लेता हूं। फिर दूसरा
दूसरा देखते हैं, यहां रुकना नहीं, अभी और चेक कीजिए, एच आई तो एक और जोड़ा बन गया। देखो मैंने बोला ई एफ जी एच आई, तो ई आई एक जोड़ा बन गया, आप समझ रहे होंगे। अभी रुकना नहीं है, और आगे बोलिए, आई के बाद भी आगे बोलिए, तो आप बोलेंगे जे के, आपको कोई और जोड़ा नहीं मिला। अब ऐसा काम आप हर अक्षर के साथ करने वाले हैं। अभी आपने ई के साथ किया है, तो आपने बोला ई एफ जी, आपको एक जोड़ा मिल गया, फिर और आगे गए एच आई, एक और जोड़ा मिल गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एन से शुरू करते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस, जो आपने बोला वो आपको नहीं मिला। जी से बातचीत करते हैं तो जी एच आई, तो जी आई एक जोड़ा बन गया, जी एच आई, जे के और आगे नहीं बन रहा है। एल से बातचीत शुरू करते हैं तो एल, एल के बाद चर्चा शुरू करते हैं तो एल एम एन ओ नहीं मिला, आई जे के नहीं, एस टी नहीं। अब जो काम आप लोगों ने फॉरवर्ड किया है वो अब आपको बैकवर्ड भी करना है। अब आप पीछे से करेंगे यही काम, तो यहां से शुरू करेंगे तो आप बोलेंगे एच से बोलना शुरू कर देना है, एच आई जे के एल एम एन, आपने जो बोला वो नहीं मिला, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, आई जे के एल नहीं, एल एम एन। ये देखिए ये एक और जोड़ा बन रहा है, एल एन एल एन, एक और जोड़ा बन रहा है, एल एम एन। समझ रहे होंगे आप मेरी बात? तो जी से नहीं बन रहा, एन से नहीं बन रहा, तो आप बोलेंगे कुल मिलाकर चार जोड़े ऐसे बने जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना कि वर्णमाला में उनके बीच होता है। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इंग्लिश शब्द में ऐसे चार जोड़े आपको मिले, ये गिनकर आपको बताना होता है। एक प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया है, आपको पहले इस तरफ से हल करना है, फिर इधर से हल करना है, जितने जोड़े मिले उनको लिख देना है। तो ये सामान्य प्रक्रिया होगी, ठीक है? अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए और ले लेता हूं, जो मैं ही समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग और चर्चा करेंगे, ठीक है? एक शब्द ले लेते हैं, पी आर ओ एन ओ यू एन, प्रोनाउन, ठीक है? एक शब्द है हमारा पी आर ओ एन ओ यू एन। आइए चेक करते हैं इसमें ऐसे कितने जोड़े बन रहे होंगे। तो मैंने लिख लिया पी आर ओ एन ओ यू एन, दूसरा प्रश्न आप लोगों का शुरू हो गया है, ठीक है? तो नंबर दो, तो शुरू करते हैं, पी से बोलना शुरू करते हैं, तो मैं बोलूंगा पी क्यू आर एस टी यू। वापस समझिए, मैंने बोला पी क्यू आर एस टी यू, मैंने बोला भी यू और यहां यू लिखा हुआ है, तो एक जोड़ा बेटा मुझे मिल गया पी यू। और चेक कर लेते हैं, यू के बाद नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, ओ पी क्यू आर नहीं है, एन से बोलेंगे तो एन ओ, एन के बाद वही तो होता है, अल्फाबेट बोलेंगे तो आप बोलेंगे एन ओ, तो कोई लिखा हुआ है, या तो एक और जोड़ा बन गया एन ओ। फिर आगे बढ़ेंगे आप, एन ओ पी क्यू नहीं, यू वी नहीं, तो इधर से दो ही जोड़े बन रहे। अब आप इसको यू चेक करना चाहेंगे तो आप बोलेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बन रहा, यू से शुरू करेंगे तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा, ओ से शुरू करेंगे ओ पी क्यू आर, वापस सुन लीजिए मेरी बात, ओ पी क्यू आर, तो एक जोड़ा ये बन गया बेटा ओ आर। समझ रहे हैं? और फिर आगे बढ़ेंगे तो आप बोलेंगे एन ओ, एक जोड़ा ये बन रहा है एन ओ, बेटा वो एन ओ ये वाला था, अब जो एन ओ कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं, तो एक जोड़ा ये भी बन रहा है। बस कुल मिलाकर कितने जोड़े बन रहे हैं? चार। अब बेटा जब इसके ऑप्शन आएंगे तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि एक जोड़ा बन रहा है, दो बन रहे, तीन बन रहे, या तीन से अधिक बन रहे। तो जब आप चार ढूंढे तो फिर आपको पांचवा ढूंढने की जरूरत नहीं, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उत्तर करते रहिएगा, ठीक है? हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, और इस बार बेटा आप लोगों की बारी भी है, आप आराम से वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद गिनिए और फिर वीडियो को आगे देखिएगा। ये मैंने ले लिया एक और शब्द स्टोन, एस टी ओ आर, स्टोन। प्रश्न हो गया हमारा, स्टोन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना कि वर्णमाला में उनके बीच होता है।
ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इसको करना। ये मैंने लिख लिया STORM, पहले आप कर लेना कॉपी में, फिर आप जांच करना कि आपने सही किया है क्या। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं हम लोग ये करना। तो मैं बोलूंगा ST, ये तो पहला ही जोड़ा मिल गया, ST का जोड़ा ही होता है भैया। फिर STUVW नहीं है, फिर T से शुरू कर देते हैं, TUV नहीं है, फिर O से शुरू कर देते हैं, OPQ नहीं, R नहीं, इधर से कोई और जोड़ा नहीं बन रहा। अब इधर से चेक करते हैं कोई जोड़ा बन रहा है क्या, तो मैं यहां से बोलूंगा MNO, तो एक तो ये बन गया MO, फिर और आगे चेक कर लेता हूं नहीं बन रहा, R से चेक करता हूं तो मैं बोलूंगा RST, तो बेटा एक RT भी जोड़ा बन रहा है यहां तो। OPQ नहीं बन रहा, तो कुल मिलाकर कितने जोड़े बन रहे हैं बेटा, 3। तो आप बोलेंगे स्टोम में 3 जोड़े बन रहे हैं, आप जरूर जांच कीजिएगा कि आपने सही किया है क्या। ऐसे कुल 7 प्रश्न मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, तो 3 प्रश्न जैसा कि है हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, एक स्पेलिंग और ले लेते हैं, मैंने ले लिया फर्स्ट। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट में ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा यहां बताइएगा, मैंने लिखा FASTER, इसको हल करना शुरू करेंगे। तो आप बोलिए मेरे साथ कहां से बोलना शुरू करेंगे, F से बोलेंगे आप, तो बोलेंगे FGHIJK, नहीं आपने जो बोला वो आपको नहीं मिला। फिर आप A से चेक कीजिए, ABCDE नहीं मिला, ST एक जोड़ा तो ये बन गया ST। फिर आप बोलेंगे T से बोलना शुरू करेंगे, तो आप बोलेंगे TUV, इसे नहीं है, R से नहीं है। अब आप इधर से चेक करना शुरू करेंगे, तो बेटा आप बोलेंगे फिर RSTUV नहीं है, EFGH नहीं है, T से बोलना शुरू करेंगे, TUV नहीं, 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 कोई और जोड़ा नहीं बन रहा, तो आप बोलेंगे केवल एक जोड़ा बन रहा है। आशा करता हूं आप लोगों को बिल्कुल ठीक से मेरी बात समझ में आ गई होगी, और आपके सामने 4 प्रश्न मैं रख भी चुका हूं। हम लोग बात करते हैं 5वें प्रश्न की। देखिए, अभी आप जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं वर्णमाला और संख्या ज्ञान, ये बहुत बड़ी प्रश्नावली है, तो इसका दूसरा ही कंसेप्ट अभी आप पढ़ रहे हैं, संभावित युग्म ज्ञात करना। एक और शब्द ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए और जवाब देने का प्रयास भी करिएगा, पोज कर लीजिए, खुद करिए, अपने उत्तर की जांच करिएगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट, ये मैंने लिखा STUDENT। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं इसको हल करना। सबसे पहला जोड़ा, अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहला जोड़ा मैं बोलूंगा ST, ये रहा एक जोड़ा ST, और मुझे यहां रुकना नहीं है, और आगे बोलना है, तो मैं बोलूंगा STU। तो बेटा SU भी ऐसा जोड़ा बन रहा है, SU भी तो ऐसा जोड़ा हो गया, ST एक जोड़ा हो गया, SU भी ऐसा जोड़ा हो गया, फिर भी रुकिए मत, और चेक कर लीजिए, S के साथ कहीं और जोड़ा नहीं बन रहा हो, तो STUVWXY और नहीं बन रहा। अब मैं T से शुरू करूंगा, तो मैं बोलूंगा TU, तो TU भी एक जोड़ा बन रहा है, अच्छा प्रश्न है ये, TU एक जोड़ा बन रहा है, TUVWX आगे नहीं बन रहा है, U से चेक करेंगे, UVWX आगे नहीं बन रहा है, D से चेक करेंगे, DE, तो बेटा एक जोड़ा ये बन गया DE, एक जोड़ा बन गया DE, अब DEF आगे नहीं बन रहा, इसे नहीं बन रहा, N से नहीं बन रहा, T से नहीं बन रहा। अभ्यास के साथ आपको ये दिखने लग जाएगा खुद को। अब इधर से शुरू करेंगे, तो मैं बोलूंगा TUVWXY नहीं बन रहा, NOPQR नहीं, NOPQRS, तो बेटा एक जोड़ा ये बन रहा NS। फिर आप किससे चेक करेंगे, EFGH नहीं बन रहा, D से नहीं, UB नहीं, 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 और कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो कुल कितने जोड़े बने बेटा, 5। और कभी भी आपको ऐसी चिंताओं में जाने की जरूरत नहीं है, 5, जब 5 उत्तर आएगा तब तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो इसी तरह के मिलेंगे कि 3 से अधिक या 4 से अधिक, तो बड़े आराम से आप उत्तर दे देंगे, तो ऑप्शन जरूर देखते रहे इस प्रश्न पे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और प्रश्न करवा लेता हूं। जैसा कि हम लोगों ने बात की, हम लोग कितने प्रश्न करने वाले हैं, 7 प्रश्न करने वाले हैं, तो छठा प्रश्न कर लेते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं, MINORITY। ठीक है, एक क्वेश्चन है MINO
RITY माइनॉरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने सेम प्रश्न है, मैं वही प्रश्न आपको करवाता जा रहा हूँ। कारण क्या है कि ये जरूर से जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा ठीक से इसको समझने की कोशिश रहे। अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करें और फिर अपना उत्तर चेक करना, ठीक है? मैं देखता हूँ। एम से शुरू करेंगे तो बोलेंगे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कोई नहीं बन रहा। आई जे के एल एम एन नहीं बन रहा। फिर एन से शुरू करेंगे तो एनओ, एक जुड़ा तो ये हो गया बेटा एनओ। पी क्यू आर नहीं बन रहा, ओ जब एनओ जोड़ा बन गया तो ओ से भी नहीं मिलेगा। अब आप देखेंगे आर एस टी, तो आर टी एक जोड़ा, आर एस टी तो एक जोड़ा आपका ये बन गया आर टी वाला। फिर आप आई से चेक कर लीजिए, आई जे के नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। अब इधर से चेक करना शुरू कीजिए तो आप बोलेंगे वाई जेड ए बी सी डी ई एफ नहीं बन रहा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा, आई जे के एल एम एन नहीं बन रहा, आर एस टी यू नहीं, ओ पी क्यू नहीं, एन नहीं, नहीं नहीं। तो कितने जोड़े बन रहे हैं बेटा? दो जोड़े बन रहे हैं। बहुत आराम से आप लोग इसका उत्तर दे सकते थे। एक और, क्योंकि सात प्रश्नों की बात की थी तो एक प्रश्न मैं आप लोगों को और बता देता हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं टाइम भी, ठीक है? अब मेरे साथ हल करेंगे इसको सबके सब, टी आई एम ई एल वाई। चलो शुरू कर देते हैं। तो बेटा यहां से बोलना शुरू करेंगे आप, तो बोलेंगे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वापस सुन लीजिए टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो आप मुझे बताइए क्या ये टी वाई जोड़ा बन गया है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल बन गया है, टी वाई एक जोड़ा बन रहा है। आई जे के एल, आई एल भी जोड़ा बन रहा है, बन रहा है। फिर एम से शुरू करते हैं, एम एन ओ नहीं, ई से नहीं, एल से नहीं, वाई से नहीं। अब इस तरफ से चेक करेंगे तो बोलेंगे वाई जेड ए बी सी डी नहीं, एल एम एन ओ नहीं, ई एफ जी एच नहीं, एम एन नहीं, नहीं। तो आप बताइए बेटा कितने जोड़े बने? आप बोलेंगे सर दो जोड़े बने। आशा करता हूं आप मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आप लोगों को अब दूसरा प्रकार समझा दिया इस प्रश्नावली का, संभावित युग्म ज्ञात करना, ठीक है? क्योंकि अभी समय बच रहा होगा, बहुत कम समय लगा है इसमें, तो फिर मैं एक पॉइंट आप लोगों को और समझा देता हूं इसका। एक मैंने आप लोगों को बता दिया है संभावित युग्म ज्ञात करना, आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए आपने क्या क्या सीख लिया है। इस प्रश्नावली में दो तरह के प्रश्न आपको करने आते हैं, एक अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से सातवें अक्षर के दाईं तरफ इस तरह का जो प्रश्न आएगा वो आपको करना आता है, और एक संभावित युग्म ज्ञात करना मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखा दिया, ये आपको करना आता ही होगा, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं एक और तरह का प्रश्न कर लेते हैं बेटा, और ये प्रश्न है आरोही एवं अवरोही क्रम, आरोही एवं अवरोही क्रम, ठीक है बेटा? अब इसको सुनने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना क्या है। देखिए आरोही और अवरोही क्रम, पहले इन दोनों शब्दों को आप जान लीजिए। आप मुझे बताइए, आप में से लगभग सब लोग ये जानते हैं कि एक छोटे से बड़ा है, एक बड़े से छोटा है, पर इसमें आप हमेशा ही कंफ्यूज रहते होंगे कौन सा बड़े से छोटा, कौन सा छोटे से बड़ा। तो आप यहां देखिए इन दोनों में से छोटा वर्ड कौन सा है बताइए। तो आप बोलेंगे सर आरोही छोटा शब्द है, तो जो छोटा शब्द है उसमें पहले छोटी संख्या आती है, जो बड़ा शब्द है उसमें पहले बड़ी संख्या आती है, ठीक है? तो इससे रिलेटेड बातें मैं आप लोगों से करता हूं। इसका पहला प्रश्न लेते हैं, किस तरह का प्रश्न आएगा ध्यान से सुनना। इस प्रश्नावली में पहले मैं आपको सारे वर्णमाला से संबंधित जैसे जैसे प्रश्न आते हैं वो सारे करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग संख्याओं की बात करेंगे। तो आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न है संकल्प संकल्प शब्द के अक्षरों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर ऐसे कितने अक्षर होंगे, ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान
अपरिवर्तित रहे, नहीं बदले, मतलब अपरिवर्तित रहे। तो बेटा ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है संकल्प जो शब्द आपको दिया गया है इसके सारे लेटर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और फिर ये पता लगाइए कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान नहीं बदले। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इतना शब्द तो आपको या तो कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलेगा या पेपर में मिलेगा। इसके आगे आपको ये जो स्पेलिंग आती है इस तरह के प्रश्न में उसके लेटर्स में थोड़ी जगह छोड़कर उसको लिख लेना चाहिए, एस एन के ए एल पी, ठीक है। और फिर इस स्पेलिंग में जो भी आपको अक्षर दे रखे हैं वो आरोही क्रम में अक्षर के नीचे लिखते जाए। तो सबसे पहले ए आएगा अगर मैं आरोही क्रम में लिखूं, फिर ए आएगा, दो ए है ना इसमें। अब आपके पास बच गया एस एन के एल और पी, तो के आएगा, फिर एल आएगा, फिर एन आएगा, उसके बाद पी आएगा और फिर एस आएगा। तो आप मैच करेंगे कि ऐसे कितने अक्षर हुए जिनका स्थान नहीं बदला। तो आप बोलेंगे केवल एक अक्षर ऐसा है, केवल एक अक्षर ऐसा है। प्रश्न यह था कि संकल्प शब्द के अक्षरों को आरोही क्रम में लिखें, तो पहले मैंने संकल्प लिख लिया, फिर इसके अक्षरों को जब आरोही क्रम में लिखने लगे तो दोनों ए पहले आएंगे, फिर के आएगा 11 नंबर पर, जो वर्णमाला में पहले आता है उसको पहले लिखना है, इसका मतलब यह हुआ। तो फिर के आएगा, फिर के बाद में फिर L आएगा, L के बाद फिर N आएगा, फिर P और फिर S आएगा। तो यही एकमात्र ऐसे ऊपर नीचे लिखने का फायदा क्या होगा, वो अक्षर बदला कि नहीं बदला ये आपको स्पष्ट दिखेगा। यहां एक और प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की बारी है, ध्यान से सुनना मेरे बात। नंबर दो हम ले लेते हैं इस बार क्लासेस, संकल्प अब ले लेते हैं क्लासेस, ठीक है। तो हमें देखना है क्लासेस शब्द में, क्लासेस शब्द में ऐसे कितने अक्षर होंगे आरोही क्रम में लिखने के बाद भी जो अपरिवर्तित रहे। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले ए लिखिए, इनमें सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद सी आएगा, सी के बाद ई आएगा, ई के बाद एल आएगा, और एल के बाद एस आएगा, एस के बाद एस और फिर एस आएगा। तो ये क्लासेस को मैंने आरोही क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया, तो एक ये और एक ये, आप बताइए कितने ऐसे अक्षर हुए। तो आप बोलेंगे दो स्थान ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे, उनको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सीधा सा सरल सा प्रश्न है, बस एक काम करना है आपको, जो भी प्रश्न आपको दिया जाए उसको नीचे लेटर्स में थोड़ी जगह छोड़कर नोट कर ले, बस उसे आप कर देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो पिछले प्रश्न में काम में लिया हम लोगों ने, प्रोनाउन, पी आर ओ एन ओ यू एन, प्रोनाउन, ठीक है। तो बेटा प्रोनाउन शब्द में अक्षरों को आरोही क्रम में लिखना है, सेम क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलेंगे, पी आर ओ एन ओ यू एन। अब आप ये देखेंगे कि इनमें सबसे पहले कौन आएगा, देखिए इसका क्रमांक 16 है, 18, 15, 14, 15, 21 और 14। तो आप पा रहे हैं कि दोनों एन पहले आएंगे, तो दो एन मैंने ये लिख दिए, फिर उसके बाद दो ओ है इसमें, तो दो ओ मैंने लिख दिए, फिर उसके बाद पी भी है इसमें, पी लिख दिया। अब कौन बचा बेटा, यू बचा और आर बचा, तो आर पहले आएगा, यू बाद में आएगा। तो आप बोलेंगे केवल एक अक्षर ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, बहुत सीधी बात है बेटा ये। अब आप मुझे बताइए जैसे आरोही क्रम का ये प्रश्न है, क्या वैसे अवरोही क्रम का नहीं कर सकते क्या आप? तो देखो एक बार देखना सर, जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया यंगा, यंगा, ठीक है, और यंगा शब्द के अक्षरों को आरोही नहीं, अब आप करना मत, आप देखना इस प्रश्न को, आप जरूर से जरूर देखना मैं क्या बता रहा हूं। अवरोही क्रम में लिखने पर ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहे, तो आप बोलेंगे सर ने समझा रखा है वाई ओ, माफ कीजिए, वाई ओ यू एन जी ई आर, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ने समझा रखा है वाई ओ यू एन जी ई आर, यंगर लिख लिया, और सर ने जैसे आरोही बताया था वैसे ही अवरोही कर लेंगे। इनमें सबसे लेट आने वाला अक्षर कौन सा है, तो आप बोलेंगे वाई, फिर उसके बाद कौन आने वाला है, तो आप बोलेंगे यू, फिर उसके बाद कौन आने वाला है सबसे लेट, तो आप बोलेंगे आर, फिर कौन आने वाला है, तो आप बोलेंगे ओ, फिर एन, आ रहा होगा आप लोगों को समझ में।
अब बच गया जी और ई, तो जी सबसे लेट आएगा और ई, जी इन दोनों में लेट आएगा और ई, तो बेटा एक क्वेश्चन तो ये हो गया वाई, और बाकी बाकी सबका स्थान बदल गया है, तो आप बोलेंगे एक अक्षर है। तो सर आप कह रहे थे खुद मत करिए, ये तो हम खुद भी कर सकते थे। बेटा मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो काम आप लोगों ने किया उसकी जगह अगर आप ये करते तो ज्यादा सुविधाजनक होता। जैसे मैंने बोला वाई ओ, तो भाई ये तो वाई ओ यू एम जी आर मैंने ये बोला, तो बेटा यहां क्या करना चाहिए, बजाय कि अवरोही क्रम लिखने के आरोही क्रम लिख दीजिए, क्योंकि आरोही क्रम लिखने में अपेक्षाकृत ज्यादा आसानी होती है, थोड़ा सही से लिख पाता है विद्यार्थी। आप आरोही क्रम ही लिख दीजिए, लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है आप लोगों को, आरोही क्रम लिखते समय क्या ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है कि आरोही क्रम इधर से लिख दीजिए, तो जब आप इधर से आरोही क्रम लिखेंगे तो उधर अवरोही क्रम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा था अब आपको समझ में आएगा, इनमें सबसे पहले आने वाला अक्षर कौन है ई, फिर कौन है जी, फिर इनमें और कौन आने वाला है, तो आप बोलेंगे एन, फिर आप बोलेंगे ओ, फिर आप बोलेंगे अब कौन कौन बच गया वाई आर और यू बच गया, तो आर फिर यू और फिर वाई। तो बेटा देखो वाई यू आर ओ एन जी ई, वाई यू आर ओ एन जी वही आ गया। अवरोही क्रम सोचते समय थोड़ी ज्यादा परेशानी होती है, तो जब भी आपको अवरोही क्रम बोले इधर से आरोही लिख दिया करो तो अवरोही क्रम हो जाएगा, तो वही एक अक्षर ऐसा है। आशा करता हूं आप ठीक से समझ गए होंगे ये बात। अब जो कि आरोही अवरोही क्रम आप देख रहे हैं, तो एक हल्की सी बात मैं आप लोगों से और कर लेता हूं, ये मैं प्रश्न के रूप में नहीं बता रहा पर आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो मैंने एक मैंने कुछ डिजिट्स लिए हैं, मैंने लिखा 5, 3, 0, 4 और 9, ठीक है। मैंने पांच डिजिट लिए हैं, 5, 3, 0, 4, 9, और मेरा प्रश्न है इनमें से प्रत्येक का एक बार प्रयोग करके बन सकने वाली बड़ी से बड़ी संख्या लिखें, प्रत्येक का एक बार प्रयोग करके बन सकने वाली बड़ी से बड़ी संख्या लिखें। तो बेटा मैंने लिखा बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, तो कभी भी आपको इन लेटर से जब बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो आप सबसे पहले बड़ा डिजिट लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 0। तो बेटा 95,430 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको एक एक बार प्रयोग करके लिखी जा सकती है। अब ऐसा ही प्रश्न आता है छोटी से छोटी संख्या लिखिए, छोटी से छोटी संख्या लिखिए, तो अधिकतर विद्यार्थी क्या कर देते हैं, अधिकतर विद्यार्थी कर देते हैं कि सर बड़ी से बड़ी में पहले बड़ा लिखना था, छोटी से छोटी में पहले छोटा लिखना है, तो वो लिख देते हैं 0, then 3, then 4, then 5, then 9, तो वो बोलते हैं 3,459। तो बेटा इसमें जीरो काम में कहां लिया आपने, जीरो तो गिना ही नहीं जा रहा, इसने कहा है प्रत्येक का एक बार प्रयोग करना है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि बड़ी से बड़ी लिखते समय तो कोई झंझट ही नहीं है, आप आराम से जैसे चाहे लिख सकते हैं, पर जब आप छोटी से छोटी संख्या लिख रहे होते हैं और उसमें जीरो होता है तो जीरो को पहले स्थान पर न रखकर दूसरे स्थान पर रखा करो, तो आप बोलेंगे 30459, तो ये आपका गलत था और ये आपका सही है। जीरो को दूसरे नंबर पर रखेंगे तभी तो 500 डिजिट आपके काम में आ रहे हैं, 30,459 हो गया ये, अगर आप जीरो उधर रखेंगे तो जीरो तो काम में नहीं ले रहे आप, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, छोटी सी बात है ये, तो आप अगर समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा इस बात को मैंने क्या कहा। अब इससे रिलेटेड भी रीजनिंग में कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि 5, 3, 0, 4, 9 या कोई भी और संख्या दे रखी हो, उससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, उससे बनने वाली छोटी से छोटी संख्या, इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या का योग, अंतर, मतलब किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ये लिखना आना चाहिए, फिर आप हर प्रश्न का उत्तर ठीक से दे सकेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको दो चीजें एक्सप्लेन करके दे दी हैं, एक मैंने आपको बता दिया संभावित युग्म ज्ञात करना कि कैसे संभावित युग्म ज्ञात करेंगे, और दूसरा मैंने आप लोगों को बता दिया आरोही और अवरोही क्रम से रिलेटेड किस तरह का प्रश्न आता है। इसमें मेरी राय आप लोगों को यह है कि अवरोही क्रम लिखते समय दूसरी तरफ से आरोही क्रम लिख दिया करें, बस यही एक बात है। तो दोनों प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं, और प्रश्नावली के हम लोग तीन कंसेप्ट समझ चुके हैं, एक अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से ये वाला कंसेप्ट समझ चुके हैं, और शेष ये जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिन्होंने भी आप में से पिछला वीडियो नहीं देखा है, इस जगह आए जो आई बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पिछला वीडियो देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके देखिएगा, एक कॉपी बनाइए, अच्छे नोट्स तैयार कीजिए। कल के पेपर से पता लगा है कि राजस्थान पुलिस की परीक्षा भी जुलाई लास्ट में हो सकती है, तो बेटा खुद को प्रिपेयर रखें, ऐसे समय में अब और सारे काम करना छोड़ दें, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें और अपना पेपर क्लियर करें। आपको विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू एंड थैंक यू।